नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अल्पेश जोशी आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज के ये वीडियो में मैं आपसे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे फ्यूचर में कभी भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पंडित अल्पेश जोशी की वीडियो आ चुकी है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, गुरु पर्वत पर बनने वाले पांच ऐसे खास शुभ चिन्ह जो आपको बना सकते हैं एक अच्छा लीडर, एक अच्छा ज्ञानी और एक अच्छा महत्वाकांक्षा है जिसके अंदर होती है ना, वो भी गुरु पर्वत रिप्रेजेंट करता है। तो महत्वाकांक्षा ही भी बना गुण डाल सकता है आपके अंदर वो चिन्ह और आपको धनवान भी बना सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से लेके अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया गुरु पर्वत के बारे में, उधर बनने वाले पांच ऐसे शुभ चिन्ह जो आपको सही में बना सकते हैं एक अच्छा लीडर, एक अच्छा उच्च पद तक पहुंचा सकते हैं, एक बहुत अच्छा धनवान महाधनी भी बना सकते हैं। गुरु देव को बहुत बड़ा माना गया है एस्ट्रोलॉजी में, ये अपने वैवाहिक जीवन को भी बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान, महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाएँ पूर्ति, हमारे अंदर संस्कार कितने होंगे, ज्ञानी कितने होंगे, हमारी पढ़ाई कितनी होगी, सारी चीज़ें गुरुदेव बताते हैं। तो गुरु का जो एरिया होता है पूरा इधर होता है, अगर ये उभरा हुआ हो यानी डेवलप्ड हो, और उसी के साथ साथ इधर कुछ शुभ चिन्ह हो जैसे ट्रायंगल, क्रॉस और बहुत सारे जो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में, ये सारे चिन्ह इधर मौजूद हों और इधर रेड एरिया हो पूरा गुरु पर्वत पर, तो ये गुरु पर्वत अच्छा माना जाता है, ये व्यक्तियों को बहुत सक्सेस भी दिलवाता है। अब देखिए चालू करते हैं। मान के चलिए आपका गुरु पर्वत उभरा हुआ है, अच्छा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल भी है तब भी चलेगा, पर उधर अगर आपने ट्रायंगल यानी जैसे मैं आपको बताता हूँ त्रिकोण, ये साइन जहाँ पर भी पाएंगे बहुत शुभ चिन्ह है, ये आपको अगर आपने गुरु पर्वत पर पाया दोस्तों तो ये आपको अच्छा एक पॉलिटिशियन लाइन में भेज सकता है। गुरुदेव भी व्यक्ति को एक लीडर बना सकते हैं, ये लीडरशिप क्वालिटी भी देते हो व्यक्ति के अंदर, ऐसे व्यक्ति नेम एंड फेम कमाते अपने सोसाइटी में एंड पॉलिटिशियन में बहुत ऊंचा नाम कमाते हैं, या कोई भी एक अच्छी ऐसी फील्ड जिसमें लीडरशिप की ज़रूरत हो। अब जैसे दूसरा क्रॉस है दोस्तों, वो है हमारा स्टार। स्टार अगर आपने इधर पाया तो ये वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा रखता है, उसके साथ साथ ये स्टार आपको धनवान बनाएगा, धार्मिकता आपके अंदर रहेगी, दूसरों के लिए मान सम्मान और आदर प्रदान आपके अंदर रहेगा। तीसरा जो साइन है दोस्तों, वो है हमारा फिश का साइन। आप इसे इस तरीके से पाएंगे, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा इस तरह से पाएंगे। अगर आपने फिश का साइन पाया इधर गुरु पर्वत पर, ये तीसरा साइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपको बहुत बुद्धिमान बनाएगा समाज में। आप मतलब बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, चीज़ों को समझ सकती है आपके अंदर अच्छी होगी, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी, और आपकी इंटेलिजेंट भी होंगे आप बहुत, और कुछ ना कुछ आप जीवन में अच्छा करेंगे और करके दिखाएंगे सबको। क्रॉस होगा तो मैं आपको एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, क्रॉस अगर गुरु पर्वत पर गवर्नमेंट जॉब, लव मैरिज का इंडिकेशन, मैं एक साइन को उठा के बता रहा हूँ आपको, बट पूरा ओवरऑल हैंड देखना पड़ता है दोस्तों। बट अगर आपने तक क्रॉस पाया तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब, उच्च पद पर विराजमान, ऐसे भी योग बनाता है क्रॉस, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट साइन है दोस्तों, वो है हमारा स्क्वायर का। स्क्वायर अगर आपने जब पाया तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग फील्ड यानी जो टीचर होते हैं उस फील्ड में ऐसे व्यक्तियों को अच्छी सक्सेस मिलती है। टीचर हो गया या कोई बहुत अच्छा जॉब हो गई, उसमें आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में भी जाता है तो बहुत अच्छा नाम कमाता है, फेम कमाता है। गुरु पर्वत के जो नेगेटिव प्रभाव होंगे, अगर ये मान के चलिए गुरु पर्वत आपका दबा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है, और उसके साथ साथ इधर पीलापन है, तो ये बता रहा है कि गुरु पर्वत बेकार है। बट अगर आपने इधर स्क्वायर पाया तो ये उनके जो नेगेटिव प्रभाव होंगे उन्हें कम करेगा, और ये एक स्क्वायर अगर आपने इधर पाया तो टीचिंग के हिसाब से बहुत अच्छा देखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल पास शुभ चिन्ह है इसके, या आप कभी भी किसी का हैंड देखे तो एक चिन्ह को उठा के नहीं बोलते आप कि तुम टीचर बन सकते हो, उसकी भाग्य रेखा चेक करें, गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत कैसा है, ओवरऑल हैंड चेक करेंगे जब जाके आप एनालिसिस करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे फ्यूचर में कभी भी न्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पंडित अल्पेश जोशी की वीडियो आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।